अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। सो जनाब, आज का हमारा कंटेंट था, मेरे पास जो है अनगिनत वॉचेस की कलेक्शन है। अनगिनत मुझे जितना ज़्यादा क्रेज़ है ना वॉचेस का, शायद दुनिया में मुझे किसी भी चीज़ का नहीं है। आज मैं आपके साथ इतनी वॉचेस की इतनी सारी कलेक्शन जो है मैं शेयर करूँगी, सो लेट्स गो। अच्छा, ये वन ऑफ माई फेवरेट वॉच है। इसमें जो है ना वो मैग्नेटिक मैग्नेट है इसका, ये सारा का सारा। मुझे आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट लव दिस वॉच। इसके जो डायल है और इसकी सब कुछ, मुझे ये वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी प्राइस मेरे ख्याल से, ये मुझे 2 साल हो गए इस वॉच को लिए हुए। अच्छी तरह याद है मैंने 10th के पेपर्स में इस वॉच को लिया था और मैं 10th में ही इसको पहन वेयरिंग करती थी। और इसकी प्राइस थी तब, मेरे ख्याल से ये न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी तब इसकी प्राइस 1200 थी तब। अब का मुझे इसकी प्राइस का कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने अब ये नहीं लिया। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉच। सो सेकेंड वन इज़ दिस। इसका डायल बहुत छोटा सा है, बहुत 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 छोटा है। ये मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, बट ठीक है, पसंद है। लेकिन क्योंकि मुझे इसके डायल की वैसे नहीं पसंद है, अमूमन मुझे बड़े डायल वाली वॉचेस पसंद है जिसका बड़ा सा डायल हो, वाज़ेह तौर पर डिजिट्स नज़र आते हो। इसका डायल बहुत छोटू सा है। सो बस ठीक है ये वॉच। प्राइस, इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 700 राउंड अबाउट होगी अब, बाकी का पता नहीं है मुझे। सो नेक्स्ट वॉच इज़ दिस। ये मुझे वॉच इसीलिए पसंद है क्योंकि पहले मैं लेती थी हमेशा गोल्ड डायल वाली या बड़े डायल वाली। मुझे इसकी शेप की वजह से और इसके डिज़ाइनिंग की वजह से जो है ना, मुझे ये वॉच बहुत पसंद है। इसको राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं अभी तक, ना तो इसका एक भी जो है ना तो मोती निकला इसका बीच में से, और ना ही जो है ना इसका कलर चेंज हुआ है। अच्छी थी ये वॉच। और इसकी प्राइस मुझे याद है, इसकी प्राइस थी 750। बड़े लड़ लड़ के दी थी, दे नहीं रहा था मुझे। ठीक है, सो नेक्स्ट वॉच इज़ दिस। ये मुझे गिफ्ट मिली थी, मेरी स्कूल फ्रेंड ने दी थी ये मुझे वॉच। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जिसके अंदर बीट्स है ना, जब मुझे मेरे पास कोई काम नहीं होता करने को, जिसके अंदर ये बीट्स है ना, ये मूव करते हैं तो मैं इन बीट्स के साथ हर टाइम खेलती रहती हूँ। ये चारों जो वॉचेज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। लाइक जब मैं 7-8 में थी ना, ये तब से वॉचेज़ मतलब ये वाली वॉच है मेरे पास, तो मुझे एग्जैक्टली इनकी नहीं याद है। दूसरा भी लेदर वाली वॉच लड़कियां कम ही पहनती हैं, ज़्यादातर लड़कियां वो दूसरी ये वाली चेन वाली पहनना पसंद करती हैं, तो मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है। अच्छा, ये वाली वॉच जो है ना, मैंने अपनी मामा को गिफ्ट की थी बर्थडे पर उनकी लास्ट ईयर, और इसकी प्राइस थी 1300। ये मुझे ऑनलाइन मिली थी इंस्टाग्राम से। अगर किसी को इसके बारे में पता करना हो तो मुझे DM कर लेना, मैं बता दूँगी। ठीक है, सो ये मैंने उनको गिफ्ट की थी वॉच। उसके अलावा ये वाली, ये इसके बाद, इस वॉच के बाद जो है ना, मैंने बड़े डायल वाली वॉचेस शुरू की थी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये जो वो है ना, इसकी स्टेप जो है ना वो बिल्कुल भी ना लेदर और जो है ना वो दूसरी चेन वाली दोनों से हट के है, सो डैट्स वाई मुझे ये वॉच बहुत पसंद है। और इसकी प्राइस थी 800, सो आई जस्ट लव इट। ये वाली वॉच भी जो है मुझे गिफ्ट ही मिली हुई है। इसके अंदर ये जो है क्रिस्टल्स, इसके जो है ना शीशे डायल के ऊपर ये मूव करते रहते हैं, और जब मेरे पास वाकई कुछ नहीं होता ना करने को, तो जिन जिन के ऊपर मुझे लगता है ना कि क्रिस्टल्स मूव करते हैं या थोड़ी बहुत शाइन आती है, मैं उनके साथ खेलना शुरू कर देती हूँ। अब जैसे लोगों को पता है कि मुझे अंधा ना वो एक जुनून चढ़ गया है वॉचेस कलेक्शन का। ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स की कलेक्शन है सारी मेरी, और अभी भी मुझे बहुत क्रेज़ है कि मेरे पास वॉचेस हों, बड़ी बड़ी डायल वाली हों, इट इज़ सारा कुछ। अच्छा, तो नेक्स्ट वॉच है हमारी ये वाली वॉच जो है, ये भी बेस्ट है क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना कलाई के ऊपर मेरी तरह की दिखती है ये चीज़। लाइक इस तरह लगता है कि जैसे ब्रेसलेट वियर किया हो, क्योंकि ये दोनों साइड से कवर कर लेती है, सो डैट्स वाई मुझे ये वॉच भी पसंद है। इसको मैंने उल्टा पहनती है इस तरह लगता, सो डैट्स वाई आई लव दिस वॉच। और इसका डायल भी जो है नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा। तो ये वॉच जो है ना मेरी बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी। लाइक ये भी आप कह सकते हैं कि जब मैं 8th में थी ना, ये भी मैंने तभी वॉच खरीदी थी, और मैंने इसको इतना ज़्यादा रोला, इतना ज़्यादा, यहाँ तक कि मैं मैट्रिक एग्ज़ाम्स में भी है ना जो मैं इसको पहन के जाती रही हूँ। उसके बाद फिर आगे कॉलेज जब ज्वाइन किया मैंने, तब भी इस वॉच को पहना। आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट लव दिस वॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर ब्लैक है, शायद इस वजह से। ये जो वॉच है ना, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी है, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी वॉच,
तो ये मुझे थोड़ी सी बड़ी आ गई थी, बस अब मैंने सोचा कि इसका ना एक ही निकलवा के ना इसको अपने साइज़ का करवा लिया जाए ताकि मैं इसको वेयर कर सकूँ। बस थोड़ा मसला ये था कि मुझे ना इसका डायल थोड़ा सा छोटा लग रहा था, लेकिन जो है ना इसकी मटीरियल और इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी थी, यूनिक सा डिज़ाइन था, ब्लैक कलर के स्टोन लगे हुए थे इसके दोनों साइड्स पर। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स सबको पता है कि मुझे वॉचेस कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये जो वॉचेस हैं ये सारी मेरी कैजुअल वेयरिंग है, मतलब जहाँ कहीं पर मैं कॉमन कॉलेज जाना हो या कहीं आउटिंग पे जाना हो तो मैं ये वॉचेस वगैरह वेयर कर लेती हूँ। लेकिन ये वो स्पेशल वॉचेस हैं जो एक तो मुझे गिफ्ट मिली नहीं है, एंड सेकेंडली ये इन वॉचेस को मैं तब पहनती हूँ जब कोई ईद हो या कोई फेस्टिवल वगैरह हो, कुछ भी हो किसी, मैं इन वॉचेस को तब वेयर करती हूँ। दीज आर सो क्यूट एंड सो ब्यूटीफुल। इस वॉच में ये जो है ना, इस वॉच की एक खासियत ये भी है कि इसका डायल है ना, बस इसीलिए मुझे वॉच कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसका जो डायल है ना वो इसको मूव करता है। सो आई जस्ट लव दिस वॉच, और इसके साथ जो है ना ये मैगनेट वाली है पूरी इसके ऊपर, और बाकी वॉचेज़ जो हैं सेम इसी तरह हैं, इनके भी बड़े बड़े डायल हैं, और इनमें से कुछ जो है ना जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये होगी, इन तीनों के वॉचेज़ के जो है ना मैंने लाजमी तौर पे वो निकलवाने हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ी हैं, ऐसे भी हो गया ना इसका, मैंने अभी तक इनके मैंने रैपर्स भी नहीं उतारे इन वॉचेज़ के मैंने, क्योंकि ये मुझे थोड़ी साइज़ में बड़ी हैं, इतनी बड़ी नहीं अच्छी लगती ना, सो डैट्स वाई इसको मैं एक दफ़ा छोटा करवाऊँगी। सो फाइनली यहाँ पे मेरी ख़त्म होती है वॉचेस कलेक्शन। अभी भी ये मेरे ख्याल से कुछ कम है मेरी वॉचेस, मुझे लगता है ये वॉचेस कुछ कम है, बट होप सो ये हो कम्प्लीट हो जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह जब मैं न्यू वॉचेस लूँगी उनकी भी कलेक्शन डाल दूँगी इंस्टा वगैरह पे भी, सब कुछ हर जगह पोस्ट करूँगी। अभी मैंने एक वॉच की हुई ऑर्डर, वर्किंग डेज में देखो कब आती है। सो जनाब होप सो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।